नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनसीएल में जो वैकेंसी निकाली गई है, लगभग यहाँ पे 512 वैकेंसी निकाली गई है जो कि फोरमैन और टेक्नीशियन के लिए है। और यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आईटीआई किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे वैकेंसी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड में निकाली गई है जो वैकेंसी, ये वैकेंसी आपको 10 जुलाई को ये वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट यहाँ पे दिया गया है 10 जुलाई 2020। तो हम लोग यहाँ पे पूरा पोस्ट पहले देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट दिए गए हैं इसमें। पोस्ट के नाम यहाँ पे दिया गया है, देखिए असिस्टेंट फोरमैन ENT दिया गया है, जो कि इसमें अप्लाई जो करेंगे वो यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए, या यदि हायर यदि क्वालिफिकेशन है आपके पास, जैसे यदि आपने BTECH किया हुआ है या BE किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किए हुए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग आपने किया है तभी अप्लाई करेंगे असिस्टेंट फोरमैन के लिए। एक और दूसरा ब्रांच यहाँ पे दिया गया है, असिस्टेंट दूसरी पोजीशन यहाँ पे दी गई है। ये जो वैकेंसी है ये सुपरवाइजरी के लिए, सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए, और यहाँ पे मैकेनिकल में होना चाहिए आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल में। यदि आपने डिप्लोमा किया है, BE BTECH किया है तो इसमें अप्लाई करेंगे आपको। और इसके बाद जो टेक्नीशियन का पोस्ट दिया गया है, इसमें केवल इसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो ITI किए हुए हैं, 2 साल का होता है ITI। और इसमें ट्रेड जो रहेगा आपका, ट्रेड भी हम लोग देखेंगे, ये टेक्नीशियन का पोस्ट है। इसमें एक तो यहाँ पर टेक्नीशियन का जो है ट्रेनिंग का, ये पूरा जो वैकेंसी निकाली गई है वो ट्रेनिंग के, आपके 1 या 2 साल ट्रेनिंग होगा, इसके बाद परमानेंट आपका जॉब किया जाएगा। और इसमें आपको पूरा हम लोग डिटेल से देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है। और यहाँ पे पूरा वैकेंसी भी दिया गया है, पोजीशन एंड वैकेंसीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन के लिए ENT ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए जो है, इसमें देखिए टोटल वैकेंसी 7 वैकेंसी दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और सेकेंड जो वैकेंसी है यहाँ पे मैकेनिकल के लिए है, इसमें इसमें आपको 2 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें एक पोस्ट में आपको 47 यहाँ पे दिए गए हैं, 47 वैकेंसी है, और दूसरे में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए दिया गया है, ENM के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट दिया गया है। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे बांटी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद टेक्नीशियन के जो पोस्ट है यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको टेक्नीशियन में एक में यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है, यहाँ पे 25 वैकेंसी 125 है, दूसरे वाले में 24 वैकेंसी दी गई हैं। और इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी थर्ड दिया गया है, इसमें कैटेगरी के हिसाब से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए एक जो वैकेंसी इसमें 33 और एक में 141 वैकेंसी है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि आपने ITI किए हुए हैं तो 2 साल को तो ITI होना चाहिए, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT या SCVT से इशू होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जो कि जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहेगा NCVT या SCVT से यहाँ पे इशू होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से वैकेंसी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपके ITI वाले के लिए ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी, टोटल वैकेंसी दिया गया है, कैटेगरी यहाँ पे दिए गए हैं, और टेक्नीशियन के लिए, फिटर के लिए यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर टेक्नीशियन टर्नर के लिए दिए गए हैं। टर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी एक में 16 है, एक में 3 है। और यहाँ पर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए दिया गया है जो वैकेंसी, यहाँ पे 8 वैकेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक्स वेल्डर के लिए दिया गया है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, 62 और एक में 21 वैकेंसी है। तो आप ऊपर वाले जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं डिप्लोमा और डिग्री वाले BTECH वाले, इसके बाद नीचे में डिप्लोमा वाले ITI वाला अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग पूरा डिटेल से यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं वो यहाँ पे सुपरवाइजरी के लिए असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग ग्रेड सी, डिप्लोमा ने इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हायर एजुकेशन में दिया गया है इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन में यदि आपने BTECH किया है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं।
और इसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं कि वैसे लोग जो इस ब्रांच को छोड़ के यहाँ पे जो लोग बीटेक किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से यदि आपने किया है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रिकल से किया है तो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल से किया है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे दो ब्रांच सेम जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैकेनिकल, प्रॉपर मैकेनिकल से यदि आपने किया है डिप्लोमा या डिग्री तो अप्लाई इसमें करेंगे, प्रोडक्शन से इंडस्ट्रियल से ऑटोमोबाइल या थर्मल से यदि आपने बीटेक किया है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से किया है तो नहीं अप्लाई कर सकते, प्रॉपर या आपको यहाँ पे मैकेनिकल से होना चाहिए। और इसके बाद आईटीआई ट्रेड वाले जो हैं यहाँ पे आप 1 साल का आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, 1 साल का आपने अप्रेंटिसशिप कहीं किया है तो भी अप्लाई ये इसमें कर सकते हैं। एज लिमिट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एज लिमिट दिए गए हैं मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 30 वर्ष दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी जो है और ESW में यहाँ पे एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जैसे मैक्सिमम एज 30 साल है तो 30 साल ही रहेगा, लेकिन SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि एज में छूट दी गई है, यदि 30 साल है 35 साल के भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है, और अनरिजर्व में यहाँ पे PWD जो कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की एज में छूट दी गई है, और OBC में जो PWD कैंडिडेट हैं इनको 13 साल की दी गई है, और SC ST के लिए जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 15 साल की छूट दी गई है। वैसे ही यहाँ पे एक सर्विसमैन जो हैं इनको भी यहाँ पे एज की छूट दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ₹500 लगेंगे, ₹500 जनरल कैंडिडेट OBC EBC के ₹500 लगेंगे, इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, ES जो कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनका कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगा फ़ी। और यहाँ पर पूरा डिटेल्स सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, और 100 में जो 70 प्रश्न होंगे 70 प्रश्न 70 मार्क्स के होंगे, और ये आपके ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके जनरल प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये पार्ट बी रहेगा, पार्ट ए और पूरा 100 प्रश्न जो रहेगा 1.5 घंटे का पेपर होगा, और 70 प्रश्न जो होंगे आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न जो होगा आपका जनरल सेक्शन होगा। और जनरल सेक्शन में आपका जैसे में आपका हो गया जनरल नॉलेज आ जाएगा, जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद आपका और इसके बाद सिलेक्शन में यदि कट ऑफ की बात करें, मेरिट लिस्ट यदि बनती है तो इसमें 100 मार्क्स की जो आपकी पूरा ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे EWS और जनरल कैटेगरी और EWS के लिए यहाँ पे 50 मार्क्स मिनिमम 50 मार्क्स कट ऑफ लाना आपको ज़रूरी रहेगा, और जो बाकी जो कैंडिडेट हैं इनके लिए यहाँ पे 40 मार्क्स लाना ज़रूरी रहेगा ताकि आप कट ऑफ में आएँ, कट ऑफ में नहीं आएंगे तो आपका लिस्ट में नाम भी नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको अप्लाई करना है, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधे आप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, फिर अप्लाई अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट का डिटेल देना है, फ़ोटो साइन अपलोड करना है, सबमिशन करना है, पूरा फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है आपको। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है कि डेट जो है स्टार्ट जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 3 अगस्त से, यानी कि 3/8/2020 से स्टार्ट हो जाएगा, और 25/8 तक यहाँ पे क्लोजिंग डेट दिया गया है, और रिटेन जो
डेट है यहाँ पे रिटर्न डेट टेंडेटिव में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट से सीधे आपको अपडेट मिलता रहेगा, आप विजिट करिए ऑफिशियल वेबसाइट फॉर्म भरने के बाद। तो 3 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगी, लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, 3/8 से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और भी कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।